हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विवेक सर। आई हार्टली वेलकम यू न्यू एकेडमिक सेशन 2021 and 22। आप पिछले क्लास नाइन्थ में आपने जो परफॉर्मेंस दिया, जिस तरीके से आपके मार्क्स आए, पर्टिकुलरली हम सब्जेक्ट की बात करें SST में, तो बहुत ही वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस था आपका। और मुझे आपसे होप है कि आप क्लास टेंथ में उससे भी बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो क्लास टेंथ में मैं आपको SST पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं SST के कुछ सिलेबस के बारे में पहले, उसके बाद फिर इसके आगे हम देखेंगे कि कौन से क्लासेस में हम चलें। सबसे पहले हम बात करें SST की, तो हम जानते हैं कि आपको हमने नाइन्थ में ही बताया है कि SST के 4 पार्ट्स होते हैं। SST है 4 पार्ट्स, यू नो। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, सेकेंड इज़ पॉलिटिक्स, थर्ड इज़ जियोग्राफी एंड फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक्स। ये आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। और हम क्लास टेंथ के सिलेबस की बात कर लें तो इन चारों में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। हिस्ट्री में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और जियोग्राफी में। इन चारों में 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन मार्क्स होता है वो होता है 80 मार्क्स। 80 मार्क के क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिनमें से 6 मार्क्स का आपका मैप होता है, जिसका प्रैक्टिस हम आपको क्लास नाइन्थ में ही करा चुके हैं। और आपका जो मैप वर्क था आपने बहुत ही अच्छा किया, और मुझे बहुत खुशी है उस बात से कि आप सभी लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस क्लास टेंथ में दें। और हमारे स्कूल का नाम आपसे है, और आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और इसी नहीं हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हों और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे पहले चैप्टर को डिस्कस करूँगा, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है। अभी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पेंडिंग में रखते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर पे आते हैं पॉलिटिक्स के। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये आपको क्लास नाइन्थ में ही बताया जा चुका है। और मुझे उम्मीद है कि दोबारा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे चलती हैं, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती हैं या नहीं, ये भी हम क्लास नाइन्थ में डिस्कस कर चुके हैं। और हम इस कंक्लूज़न पर पहुँच चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट होती है, जो कि किसी भी कंट्री को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रन कराने में हेल्प करती है। तो आइए और अपने चलते हैं, और फर्स्ट चैप्टर पे हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पावर शेयरिंग के बारे में, इन दोनों वर्ड्स पे जाते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग? जैसा कि आप जानते हैं, शेयरिंग, शेयर करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना, फैलाना, स्कैटर्ड करना, यू नो, शेयर का मतलब तो समझते हैं। दूसरी बात आती है इसमें, दूसरा जो वर्ड्स है उसका नाम है पावर। पावर को शेयर करना, पावर को स्प्रेड करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर शेयरिंग कहलाता है। पावर मतलब ताकत, आप समझते हैं। पावर मतलब एक तरीका जिसके थ्रू कोई गवर्नमेंट चलती है। एग्जांपल एक आपको देता हूं, बड़े अच्छे से आप समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग क्या होता है। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल ले लें, बहुत दूर नहीं जाते हैं, स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल में पावर होता है। अब वो पावर किसी वन हैंडेड में पावर हो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्कूल का पूरा पावर डायरेक्टर के हाथ में हो, डायरेक्टर सर के हाथ में हो, तो अब डायरेक्टर सर ही पूरे पावर को यूटिलाइज करना चाहें तो क्या स्कूल अच्छे तरीके से रन कर पाएगी? नहीं। आप जानते हैं कि ये पावर कई पार्ट्स में डायरेक्टर सर डिवाइड कर देते हैं। सारा पावर वन हैंड में नहीं होता, कई हैंड में पावर होता है। कुछ पावर सबसे पहले प्रिंसिपल को दे दिए जाते हैं, जो पावर बचते हैं उसके बाद वाइस प्रिंसिपल को दिए जाते हैं, उसके बाद पावर को दिया जाता है टीचर्स को, उसके बाद पावर को दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इन सभी लोगों के पास अपना अपना पावर होता है, तभी जाकर के कोई स्कूल अच्छे तरीके से रन कर पाती है। अगर डायरेक्टर सर ही चाहें सारा सब्जेक्ट अकेले पढ़ाना चाहें, सारा काम प्रिंसिपल का अकेले करना चाहें, सारे टीचर्स का काम अकेले करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप जानते हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने पावर को कई लोगों में स्प्रेड कर दिया है।
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और डेमोक्रेसी की यही एक पहचान होती है, यही एक बेस्ट डेमोक्रेसी की पहचान होती है कि वहाँ पे पावर किसी वन हैंड में नहीं होता, बल्कि पावर को शेयर किया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कंट्री के लिहाज से अगर हम देखें तो कंट्री में पावर शेयरिंग किसे कहा जाता है? व्हेन द पावर इज नॉट कंटेन्स इन वन हैंड, वेर इज इट स्प्रेडेड इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज पावर शेयरिंग। तो एग्जाम्पल का, एक स्कूल का एग्जाम्पल देख के आप आसानी समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। जिस तरीके से स्कूल चलाने के लिए सभी लोगों के पास अपना अपना पावर होता है और वो अपने पावर को यूटिलाइज करके स्कूल को एक बेस्ट स्कूल बनाते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट में जब पावर को शेयर किया जाता है, कंट्री में जब पावर को शेयर किया जाता है, तो फिर वो कंट्री एक बेस्ट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनकर के सामने आती है। तो आइए देखते हैं अपने इस चैप्टर में एक मज़ेदार स्टोरी के साथ कि किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। तो आइए देखेंगे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू, जिसमें से दो कंट्री हैं। पहली कंट्री का नाम है बेल्जियम और दूसरी कंट्री का नाम है श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज़ में देखेंगे किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और पावर को शेयर करने के बाद क्या यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी हो पाई या नहीं हो पाई, उसके इम्पैक्ट को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एज यू नो, बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही छोटा कंट्री है। यूरोप के बारे में आप जानते होंगे, यूरोप यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। एज यू नो, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, आप सबको पता है, ठीक है। दुनिया का सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट यूरोप को माना जाता है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसा कि बेल्जियम ही एक कंट्री तो इसमें है ही। बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, प्रशिया हो गया, जो भी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ था, वो सारे जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रसियन रिवोल्यूशन, जर्मन रिवोल्यूशन, वो सारी जो कंट्रीज थी किस कॉन्टिनेंट की हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट की हैं। उसी यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है और एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम जो है ये बहुत छोटा सा कंट्री है, और अगर अपने देश से हम कंपैरिजन करें तो हमारे कंट्री का जो स्टेट हरियाणा है, इससे भी काफ़ी छोटा है ये, एरिया के व्यू से देखा जाए तो। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो कंट्री है, ये जो बेल्जियम कंट्री है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज समझते हैं ना, जैसा कि इंडिया है, इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। उसी तरीके से बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के लगभग इक्वल है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन की भी आधी है। मतलब हमारी कंट्री के हरियाणा से इसको कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे, तो हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है। इसका मतलब कि हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और उसकी और बेल्जियम की पॉपुलेशन इसकी आधी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एथनिक, समझते हैं इस वर्ड को। एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। What do you mean about ethnic? Ethnic means क्या होता है? Ethnic means एक ऐसा कोई एक जो सोसाइटी होती है, वो अपने कल्चर को अलग अलग मानती है। मतलब किसी एक कंट्री में रहने वाली कई ढेर सारी सोसाइटीज़, जो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, जब वो अपने कल्चर को अलग अलग माने, अपने कल्चर को किसी दूसरे कल्चर के साथ जोड़ के ना देखें, बल्कि वो अपना कल्चर अलग माने, तो इस तरीके का जो कंपोजिशन होता है उसे एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम भारत को ही ले लें, इंडिया को ही ले लें, तो इंडिया में बहुत सारे एथनिक कंपोजिशन के लोग हैं, जैसे हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बौद्ध, ये सभी क्या हैं? अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, और सभी लोग अपना कल्चर अलग अलग मानते हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, आप जानते हैं। उसी तरीके से बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा था,
ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, इस कंट्री की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 59%, टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, बेल्जियम का एक फ्लेमिश रीजन है वहां पे रहते हैं एंड स्पीक्स डच, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, डच एक लैंग्वेज है। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले 59% लोग डच बोलते हैं, अनदर 40% पीपल लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच, और 40% लोग जो कि वेलोनिया में रहते हैं वो लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन करते रहेंगे। एंड रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन, और जो 1% बचे हुए हैं वो लोग क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टोटल 100% अगर पॉपुलेशन है जर्मनी की, बेल्जियम की, तो इसका 59%, आप ये ग्राफ बना के आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 59% लोग, ये 59% लोग जो हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज, डच। इस तरीके से आप भी एक ग्राफ बना लीजिए। और 40% लोग जो हैं, 40% जो 40% लोग हैं, ये 40% लोग जो कि वेलोनिया में रहते हैं, वेलोनिया में रहते हैं, ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब बचे कितने, 59 और 48 करेंगे तो 99 हो गया, 1% बचे हैं, और जो 1% रिमेनिंग 1% लोग जो बचे हुए हैं, ये 1% लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज, जर्मन। तो कुल मिलाकर कंट्री में 3 टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एंड जर्मन लैंग्वेज। क्लियर है। और कंट्री के लिहाज से देखें तो कंट्री में, टोटल कंट्री में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, डच 59%। दूसरे स्थान पे कौन सा है, फ्रेंच 40%, और 1% स्थान किसका आता है, जर्मन का। लेकिन ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ये कहानी कहाँ की थी, कंट्री की थी। अब इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग पीपल। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, एक्चुअली ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो है, ब्रुसेल्स की बात करें, यहाँ जब पूरे बेल्जियम की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि कितना परसेंट लोग, कौन से लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में 80% लोग, कितने लोग, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच। अब यहाँ पे एक मजेदार बात आ रही है, ये भी एक ग्राफ आप बनाइएगा। ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग हैं और डच बोलने वाले 20% लोग हैं। जबकि अगर हम बात करें पूरे कंट्री की, ब्रुसेल्स में आप देख रहे हैं, कैपिटल देख रहे हैं कि फ्रेंच ज्यादा लोग बोल रहे हैं और डच कम लोग बोल रहे हैं, लेकिन पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में कौन ज्यादा बोल रहा है, पूरे बेल्जियम में ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या किसकी है, डच की। 59% लोग डच जो लोग हैं वो लोग डच बोलते हैं, और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो मतलब पूरे कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले लोग कम हैं। तो इसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बेल्जियम पे, और वो इम्पैक्ट क्या होता है ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको बनाइए और इतना समझिए। थैंक यू सो मच।